मुझे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस विधेयक 2023 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व विधायक अनीता बदेल जी ने जो अपनी बातें रखी, मैं भी उन्हीं बातों में कुछ अपनी बातें ऐड करना चाहूँगी। इस विधेयक में बहुत क्लियरली लिखा है कि ये संस्थान एक ऑटोनॉमस शिक्षा संस्थान है और गवर्निंग बोर्ड जो होगा उसमें राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा इसमें लिखा हुआ है कि स्पष्ट रूप से उसका प्रभुत्व दिखा जाएगा। लेकिन माननीय सभापति महोदय, इसके अंदर ये लिखा गया है कि वित्त विभाग एवं उच्च शिक्षा के सचिव राज्य सरकार की अनुशंसा पर अन्य शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष और राज्य सरकार की अनुशंसा पर वित्त, शासन, सामाजिक विज्ञान, उद्योग एवं शिक्षा क्षेत्र के 6 व्यक्ति गवर्निंग बोर्ड के सदस्य होंगे। माननीय सभापति महोदय, हम जानते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी का जो आधिपत्य होता है वो गवर्नर साहब के पास होता है, और इसमें पूरे विधेयक में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि गवर्नर का क्या इसमें रोल होगा या आधिपति कुलपति वही होंगे। माननीय सभापति महोदय, हम गवर्नर को ये इसलिए देते हैं ताकि गवर्नमेंट का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कम रहे, लेकिन ये विधेयक बहुत ही कन्फ्यूजिंग है सबके लिए। इसमें ये लिखा गया है कि प्राइवेट निवेश होगा इसके अंदर, प्राइवेट इक्विटी भी इसके अंदर रहेगी, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कितने परसेंटेज पर रहेगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर कितने परसेंटेज उसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट रखेगी, उसका कहीं भी इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, इसमें कहीं भी ये विधेयक की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि संस्थान राज्य एवं निजी की सहायता करेगा, लेकिन पूरी तरीके से हमें ये नहीं पता है, जिस तरीके से अनीता जी ने बोला कि कितने ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आए दिन हमें सदन में उनको पास करते हैं, लेकिन उसके रूल्स, उसके नियम, और आज भी वापस से उनके प्रश्न को मैं दोहराना चाहूँगी कि राजस्थान में आप ये बता दीजिए कि इस यूनिवर्सिटी का बच्चा पहले नंबर पर भारत में आया है, कहीं भी जो संस्थाओं की व्यवस्था है, कहीं भी हम लोग मीडियोकर लेवल पर तो जा रहे हैं, पर हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हमारे बच्चे बढ़ चढ़कर कि इस यूनिवर्सिटी से, इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, राजस्थान गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पास हुआ है और ये बच्चा यहाँ पर पहुँचा है। माननीय सभापति महोदय, मेरे यहाँ पर द्वारकाधीश गर्ल्स कॉलेज स्वर्गीय किरण जी महेश्वरी थे, तब पास हुआ था और वो बिल्डिंग अब बनकर तैयार हुई है, लेकिन उसके अंदर करीबन 500 लड़कियों की संख्या है और आज भी कहीं भी टीचर्स नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन से ये विनम्र निवेदन करूंगी कि हम नई नई यूनिवर्सिटीज़, नए नए विधेयक पास कर रहे हैं कि हमें यूनिवर्सिटीज़ की और ज़रूरत है, ताकि हम बच्चों को एक अच्छा ढांचा, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सके जहां पर बच्चे पढ़ें, और हमारे राजस्थान के बच्चों को महाराष्ट्र या कहीं भी बाहर जाकर नहीं पढ़ना पड़े और यहीं पर हम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाएं। लेकिन कहीं भी हम ये बात नहीं करते कि इंटेलेक्चुअल उनकी कैसे हम बढ़ाएंगे, हम किस तरीके के टीचर्स रखेंगे, किस तरीके के माहौल में हम उनको बड़ा करेंगे, इसकी कहीं भी किसी भी विधेयक में कहीं भी इस बात की नहीं होती है चर्चा। मैं अपनी बात को बहुत शॉर्ट में रखते हुए माननीय सभापति महोदय, सदन से एक बार वापस ये बात कहूँगी कि प्लीज़ लेट अस कॉन्सेंट्रेट कि टीचर्स अच्छे कहाँ से लाएं, ताकि वो बच्चे भली बिना पंखे में भी बैठे, लेकिन वो टीचर्स उनको अच्छी एजुकेशन दे सके, उन टीचर्स की हम अच्छी भर्ती करें और उस पर इस सदन में चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपने बोलने का मौका दिया, और ये बात कहना चाहूंगी कि इस विधेयक को आप जनमत जानने के हेतु प्रचारित करा जाए 6 महीने के लिए। श्री बिहारी